हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कई प्रकार के वीडियो शेयर करते हैं, जैसे एजुकेशनल एंड वाइल्ड लाइफ, सो प्लीज़ हमें अनसब्सक्राइब ना करें। हम आपकी पसंद के वीडियोज़ भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह बहुत छोटी चींटी है और आपको इसमें बड़ा दिखाया जा रहा है क्योंकि हम इसके लिए लेंस यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह चींटी जो कि एक बारहमासी पौधे की पत्ती के ऊपर है और इस पौधे के ऊपर कई सारे एफिड्स हैं और वो एफिड्स इस पौधे के जूस को चूस करके और उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं और पौधे की पत्तियों के ऊपर और टहनियों के ऊपर उन्हें छोड़ देते हैं। यही कारण है कि इस तरह के पौधों के ऊपर लाल चींटियां हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये चींटियां किस तरीके से जूस को चूस रही हैं। इसके लिए ये इनके मैंडिबल्स और एंटीना का यूज़ करती हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको हमारे आसपास होने वाली छोटी छोटी चींटियों के बारे में बताना चाहते थे। यह है सिर्फिड फ्लाई लार्वा जो कि खाने में एफिड्स को बहुत पसंद करता है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से एफिड्स को खा रहा है। इसने इसको पकड़ लिया है और इसके जो इंटरनल जबड़े हैं उसके द्वारा इसको ये काट काट कर खाता है। पीछे से एक एफिड और आया है जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है और उस इस सिर्फिड फ्लाई लार्वा को वह बार बार छू रहा है, जिसकी वजह से यह बार बार उछल रहा है। सिर्फिड फ्लाई अपना लार्वा ऐसी जगह पर देता है जहां पर इसका पसंदीदा भोजन एफिड्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। इस पौधे के ऊपर एफिड्स बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। शान कर रहा है, इसे डिस्टर्ब कर रहा है और इस कारण से वह बार बार उछल रहा है। लेकिन उसने एफिड को नहीं छोड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह एफिड अपने फ्रेंड को बचाने आया है। किस तरह से वह उसके करीब में खड़ा है। एफिड्स जो होते हैं ये जिस पौधे पर होते हैं उस पौधे के जूस को चूसते रहते हैं और उसे हनी में कन्वर्ट करते हैं।
चींटियों को आकर्षित करते हैं और इसी कारण से इन पौधों के ऊपर लाल चींटियां भी हो जाती हैं। सिर्फिट फ्लाई लार्वा जो होता है ये एफिड्स की रोकथाम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एफिड्स जिस पौधे पर होते हैं वो उस पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उसके जूस को चूसते रहते हैं और उसको कमजोर बना देते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं।